शून्य के अंदर हमने डिलीवरी के अंदर ट्रेड किया और देख सकते हो 400 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हमने कमाया है। हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए जो कि शून्य के अंदर ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अब हमारा आज का प्रॉफिट कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और जल्द ही ये प्रॉफिट देखते देखते 500 क्रॉस कर जाएगा। हमने यहाँ पे 20 क्वांटिटी IRFC की ली है, देख सकते हो। इस 20 क्वांटिटी हमने कितने पे बाय किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं तो 153.05 रुपीज़ के अंदर हमने 20 क्वांटिटी यहाँ पे बाय की थी IRFC की, और अभी के टाइम में जो करंट प्राइस चल रहा है 176 और कुछ पैसे चल रहा है, तो इस वजह से हमारा आज का प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉफिट इतने जल्दी आज के दिन में इतना प्रॉफिट कैसे हुआ, तो उसका सीधा सा मतलब है इलेक्शन। देखिए, आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट के कारण लोगों के अंदर पहले डर बैठा हुआ था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उस हिसाब से यहाँ पे देखिए, एक टाइम पे ये मार्केट इतनी जल्दी यहाँ से लेके यहाँ तक गिर चुका था, देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी। 151.95 तक यहाँ पे मार्केट गिर चुका था या IRFC का शेयर गिर चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे गिरा ये तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया, क्योंकि हमें पता था ये एक मामूली सा ग्लिच ये समझ सकते हैं, या फिर लोगों के अंदर ये डर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका मतलब कौन सी पार्टी जीतेगी, उस वजह से इलेक्शंस को लेके इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेके लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, उस वजह से ये शेयर का प्राइस गिरा है। और यहाँ पे निफ्टी का भी प्राइस देखोगे तो वहाँ पे भी वो भी गिरा हुआ आपको नज़र आएगा आज के दिन पे, क्योंकि लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ कि कौन जीतेगा कौन सी सरकार बनेगी, उस हिसाब से यहाँ पे एक टाइम के लिए यहाँ पे प्राइस गिरा था। तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया, देखते देखते यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आ चुका है, और जैसे ही मोदी की सरकार वापस आती है यानी BJP यहाँ पे जीतती है तो यहाँ पे ये प्राइस बढ़ करके 200 क्रॉस करने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट होगा। लेकिन ITC के शेयर को हमने पिछले दिन बाय किया था, यानी आज से एक दिन पहले हमने बाय किया था, जिस वजह से ITC का शेयर 5% से ज़्यादा का अभी गिरा हुआ हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अभी देख सकते हो 5% से निकल करके 3.50% आपको दिख रहा है, ठीक है। 3.47% का अभी दिख रहा है, अभी इतना ही गिरा हुआ है, और 299-300 कुछ समथिंग इतना इसके अंदर हमें लॉस नज़र आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा धीरे धीरे करके ये लॉस भी रिकवर हो जाएगा, साथ ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आएगा। तो इस तरह से दोस्तों इलेक्शंस के अंदर हमने ट्रेड करके एक अच्छा अमाउंट अर्न किया, वो भी डिलीवरी के अंदर ट्रेड करके, ना कि हमने इंट्राडे का यूज़ किया है। आज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इंट्राडे का भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मार्केट गिरा था उन्होंने यहाँ पे इंट्राडे की क्वांटिटी भी बाय की है और वो भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आज के दिन होंगे। तो यहाँ पे आज के दिन काफ़ी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, काफ़ी लोग लॉस भी कर चुके होंगे, डर की वजह से निकल चुके होंगे गिरते हुए मार्केट के अंदर, तो उनको लॉस हुआ होगा। और जो गिरते हुए मार्केट के अंदर फ़ायदा उठा करके यहाँ पर डिलीवरी के अंदर या इंट्राडे के अंदर जो बाइंग की है कुछ लोगों ने, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज के दिन नज़र आ रहा होगा। जैसे इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और BJP जीतेगी तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी इलेक्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, शून्य आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैं शून्य के अंदर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि शून्य आपसे किसी भी तरह के ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज नहीं करता। चाहे आप डिलीवरी करो, इंट्राडे करो, या फिर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करो, शून्य आपसे किसी भी तरह के चार्जेस चार्ज नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पे शून्य को प्रेफर करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ कॉमेंट करके हमें बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।